बिहार ब्लॉक में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती जो है वो यहाँ पे निकाली गई है। जी हाँ, 1 लाख भर्तियां जो है बिहार ब्लॉक में निकाली गई है। ब्लॉक के सभी अलग अलग पद के सभी अलग अलग जिलों में ये भर्तियां जो है वो भरी जाएगी। उसमें देखिए कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं, तो 10वीं या 12वीं पास को सरकारी नौकरी मिलेगी। यानी अगर आप 10वीं या 12वीं पास है तो आप अपने जिले के ब्लॉक में आप आवेदन कर सकेंगे। कुल बिहार की टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो 1 लाख भर्ती है। कैसे आवेदन करना है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी देखिएगा कि क्या एज है, कितना सैलरी मिलेगा, कैसे आपको आवेदन करना है, इसका लास्ट डेट क्या है, तो सारी जानकारी यहां पे दी जा रही है। कब से आपको ये फॉर्म जो है अप्लाई करना है, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दे, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे की जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट पहले देख लीजिए, ठीक है, कि कैसे आपको आवेदन करना है, बिना स्किप किए देखिएगा ताकि सही सही तरीके से आप फॉर्म भर सके, क्योंकि एक गलत तरीका से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई परीक्षा जो है वो नहीं ली जाएगी। इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, सिर्फ मार्क्स बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन है, ठीक है। तो अगर आप सही से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो जबरदस्त तरीके से आपका इस बार पक्की सरकारी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि 1 लाख भर्तियां निकाली गई है पूरे बिहार में, जो कि बहुत बड़ी भर्ती है, और सभी जिले में आपकी ये भर्तियां के तहत जो है वो आवेदन आपको देना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, तो बिहार ब्लॉक में करीब 1 लाख पदों पे ये भर्तियां जो है वो निकाली गई है, ठीक है, जिसमें 10वीं या 12वीं पास अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर पाएंगे, और इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। सभी जिलों में मार्क्स स्तर पे भर्ती ली जाएगी, यानी आपके 10वीं या 12वीं में कितने मार्क्स हैं उस मार्क्स पे आपको आवेदन करना होगा। पुरुष या महिला दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप देखिएगा आगे की प्रक्रिया कैसे आपको आवेदन करना है, क्या एज है, सैलरी कितनी मिलेगी, सब कुछ जानेंगे, कैसे फॉर्म भरकर कहां जमा करना है जो है। अगर 10वीं पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं, 12वीं पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं। ध्यान देंगे एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन कर सकता है, ठीक है, या तो वो 10वीं पास पे करेगा या 12वीं पास पे करेगा। ऑनलाइन अप्लाई स्टेप बाय स्टेप करने के लिए सीधे आपको गूगल में आके biharnotices.in इस तरह के सर्च करना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं यहां पे स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, पूरी जानकारी देखकर आप खुद से यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी भर्ती है और बहुत बड़ा मौका है। तो 3 डॉट पे यहां पे क्लिक करेंगे, ये जो 3 लाइन दिख रहा है यहां पे क्लिक करना है, और यहां पे आपको गवर्नमेंट जॉब पे आ जाना है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब पे आ जाएंगे तो यहां पे देखेंगे स्टार्टिंग में ही बिहार ब्लॉक वैकेंसी आपको दिखेगा, तो यहां पे जितनी वैकेंसी आती है सभी यहां पे मिलता है। तो ये अगर आप बाद में देखेंगे तो हो सकता है नीचे चला जाए, ठीक है, तो अभी ऊपर में है क्योंकि अभी करंट वैकेंसी है। तो बिहार ब्लॉक वैकेंसी 2024 पे आपको फटाक से यहां पे क्लिक कर लेना है। बाकी वैकेंसी का अपडेट पहले से ही आ रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यहाँ पे मांगा जा रहा है। 1 लाख पदों पे पूरी भर्ती है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑनलाइन करना है। यहाँ पे देखेंगे कि बिहार ब्लॉक में जो 1 लाख पदों पर भर्ती निकाली गई है, इसमें सभी जिले पे मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन जो है वो लिया जाएगा, किसी तरह की कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। यानी जो आपका मेरिट बनेगा सिर्फ आपका 10th के मार्क्स पे बनेगा, भले ही आप ग्रेजुएशन पास से उससे मतलब नहीं है, मेरिट में सिर्फ 10th पास का मार्क्स जो है वो यहां पे जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई जो है वो आपको कैसे करना है, कब तक आपकी ज्वाइनिंग जो है वो ली जाएगी, ठीक है, ये यहां पे समझ लीजिए, पूरी जानकारी समझ लेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम बात कर लेते हैं कि योग्यता क्या रखी गई है। अगर आप 10वीं पास है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है, अर्थात 10वीं पास वाले भी कर सकते हैं, इंटर पास वाले भी कर सकते हैं, हायर कुछ भी है, ग्रेजुएशन पास वाले भी कर सकते हैं, सिर्फ 10वीं पास से आगे कुछ नहीं कर रखे हैं तो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पुरुष और महिला दोनों यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक अभ्यर्थी केवल एक ही पद के लिए आवेदन जो है वो यहां पे कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जिला स्तर पे निकाला गया है तो आप एक से अधिक जिले पे आवेदन नहीं कर सकते हैं, आप कोई एक जिले के ही आवेदन कर सकते हैं ताकि कोई भी पद खाली ना रह जाए। ऐसे क्या होता है कि एक ही स्टूडेंट जो है सभी जिले में अप्लाई कर देता है और बाकी पद जो है खाली रह जाता है, क्योंकि ज्वाइनिंग तो किसी एक की ही पोस्ट पे होगी,
इसीलिए एक अभ्यर्थी केवल एक ही पद के लिए आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर वह व्यक्ति दसवीं से ऊपर पास है तो अपनी मर्जी के अनुसार बारहवीं पास या स्नातक पास पे आवेदन कर सकता है, क्योंकि इसमें मिश्रित पद निकाले गए हैं। अगर कोई अभ्यर्थी यह चाहता है कि दसवीं पर अलग और बारहवीं अलग और स्नातक पे अलग अलग आवेदन करें तो ऐसा संभव नहीं है। एक व्यक्ति किसी भी जिले से एक ही आवेदन कर सकता है, भले ही आप पुरुष हैं या महिलाएं, केवल एक स्टूडेंट एक फॉर्म भरेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एज लिमिट जान लीजिए कि एज लिमिट क्या है, तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो आपका 16 साल रखी गई, कि ब्लॉक वैकेंसी है, ऐसे आपका 18 साल रहता है लेकिन ब्लॉक लेवल पे ये वैकेंसी निकाली गई है, इसलिए आपका 16 साल भी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप दसवीं पास कम से कम है। तो अधिकतम 38 साल एज जो है, अगर आप अधिकतम एज की बात कर ले तो 16 साल से 38 साल यहाँ पे रखा गया है। हालांकि अधिकतम उम्र में जो बिहार सरकार के द्वारा छूट होता है एससी एसटी और ओबीसी का, वो छूट इसमें लागू होगा, है ना। जैसा कि आपको पता है कि ओबीसी में मैक्सिमम 3 साल का छूट मिलता है, यानी 38 प्लस 3 41 साल तक आप जो है यहाँ पे ओबीसी वाले, और यहीं एससी एसटी में 38 प्लस 5 जोड़ देंगे एससी एसटी का यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम जो है वो 16 साल है, ठीक है। अब देखेंगे फी की बात करें तो किसी तरह का कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आप पुरुष है या महिला है, किसी भी जाति के आवेदक हैं, तो आपसे 0 रुपया यानी 1 रुपया भी ऑनलाइन चार्ज जो है वो नहीं लगेगा। कोई भी छात्र जो है खुद से या कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, किसी तरह का ऑनलाइन पेमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं रखा गया है, ठीक है। एज लिमिट सैलरी की बात कर ले, यहाँ पे सैलरी जो है वो 25,000 से 30,000 रुपये जो है वो यहाँ पे रखी गई है। यानी अगर आप सैलरी की बात करें तो अलग अलग पोस्ट पे आपकी सैलरी है, न्यूनतम सैलरी जो है वो 25,000 रखी गई है। हालांकि अलग जो पोस्ट है उसका 30,000 तक सैलरी रखा गया है अलग अलग पद पे। यानी किसी पद पे आपका सिलेक्शन होता है तो कम से कम आपको 25,000 रुपये की सैलरी जो है वो यहाँ पे आपको दे दी जाएगी। अब देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे आपको लगेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, क्योंकि आप 10th लेवल पे ही आपका मेरिट बनेगा, है ना। उसके बाद मैट्रिक का एडमिट कार्ड यानी 10th का एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट मांगा गया है, जाति प्रमाण पत्र जो है वो ये नया होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, है ना, कहाँ के आप निवासी है उसका निवास प्रमाण पत्र करेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप दिव्यांग हैं तो ठीक है, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आप यहां पे लगाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपका पिता का नाम, कुल अंक, दसवीं के अनुसार जन्म तिथि, आधार विवरण, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सभी आपका लगेगा दसवीं के अनुसार। दसवीं में जो आपका पिताजी का स्पेलिंग है वही रहना चाहिए, सर्टिफिकेट से चेंज नहीं होना चाहिए। जन्म तिथि भी दसवीं का होना चाहिए, ठीक है, तो ये सभी चीज आपका मैच होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो आपको लगेंगे। अब देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई जो है वो कैसे करना है। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो ऑनलाइन शुरू हो चुका है, ऑनलाइन का डायरेक्ट लिंक यहां पे दिया गया है। नीचे की ओर जाइएगा तो यहां पे देखिएगा आपको डायरेक्ट लिंक जो है बिहार ब्लॉक वैकेंसी ऑनलाइन अप्लाई लिंक यहां पे मिलेगा, ठीक है। यहां से डायरेक्ट लिंक से आप क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई सारी डिटेल्स फिल करेंगे और ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सीट देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो यहां पे आप देखेंगे, ऑल डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट जो है वो यहां से आप देख पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे ताकि आगे की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसके लिए अप्लाई जो है जरूर से जरूर करें। सभी का डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए और फटाफट से सभी को शेयर कर दें। और आगे की लगातार भर्ती के लिए आप बिहार नोटिसेस डॉट इन जो है लगातार सर्च करेंगे और टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन से पहले बहुत बड़ी वैकेंसी जो है बिहार सरकार और लाने वाली है, क्योंकि बिहार विधानसभा का इलेक्शन भी शुरू होने जा रहा है मुख्यमंत्री का, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, चलो फटाफट तरीके से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करें और आगे की वैकेंसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।